नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, चलते हैं विशेष खबर की तरफ। जनपद उन्नाव हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में मेड इन चाइना वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान नए सिरे नई रणनीति के साथ शुरू किया गया। द्विवेदी ने बताया कि अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा। पहले चरण में युवाओं को चाइनीज ऐप डिलीट करने के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे चीन को प्रतिवर्ष अरबों रुपए मिलते हैं। चाइनीज ऐप हटाने की शुरुआत मंच के कार्यकर्ताओं सहित नगर के युवाओं द्वारा शुरू की जा चुकी है। दूसरे चरण में चीनी हार्डवेयर का बायकॉट करने की मुहिम तेज की जाएगी। इस अभियान में आज जब देश में चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, तो इस आंदोलन को गति देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें धीरे धीरे चीनी वस्तुओं को अपने जीवन से दूर करना है, भले ही इसमें एक से दो वर्ष का समय लगे, एवं कोशिश करनी है दैनिक उपयोग में कोई नई वस्तु चीन में निर्मित ना ली जाए, और मोबाइल जैसी चीजें हैं तो आगे ध्यान रखा जाए इन्हें ना लें, एवं जिनके पास चीन निर्मित मोबाइल है वो अधिक से अधिक लोगों को चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित करें, इसका प्रायश्चित मानकर साथ ही हर मित्र कम से कम 10 परिवारों को प्रेरित करें बायकॉट चाइना मुहिम के लिए। इस दौरान मंच के जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष विकास सिंह सेंगर, नगर महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला, युवा प्रभारी मनीष अवस्थी, उपाध्यक्ष शिव सेवक त्रिपाठी, नगर मंत्री अखिल मिश्रा, उपाध्यक्ष शिवम आजाद, नगर उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर उपाध्यक्ष अंशु शुक्ला आदि मौजूद रहे। देखिए यह रिपोर्ट। मित्रों, सबसे पहले नमन उस सनातन को जिन्होंने 10 जून आज ही के दिन बहराइच में सोमनाथ के लुटेरे महमूद गजनवी के भांजे सालरबाजी को युद्ध में हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी थी, उनको पुनः नमन करता हूँ। मित्रों, मेड इन चाइना वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान हिंदू जागरण मंच ने पुनः शुरू किया है, जो कि लगातार हिंदू जागरण मंच चलाता रहा है। इसलिए आज जब देश में चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, तो इस आंदोलन को गति देने की आवश्यकता है। हमें धीरे धीरे चीनी वस्तुओं को अपने जीवन से दूर करना है, भले ही इसमें एक से दो वर्ष का समय लगे, एवं कोशिश करनी है कि दैनिक उपयोग की कोई नई वस्तु चीन से निर्मित ना ली जाए, और मोबाइल जैसी चीज़ें हैं तो आगे ध्यान रखा जाए इन्हें ना लें, एवं जिनके पास चीन निर्मित मोबाइल है वो अधिक से अधिक लोगों को चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित करें, इसका प्रायश्चित मानकर साथ ही हर मित्र कम से कम 10 परिवारों को प्रेरित करें बायकॉट चाइना मुहिम के लिए। इसी बीच एकता कपूर की वेब सीरीज में भारतीय सेना के अपमान का भी मामला चर्चा में रहा है, जिस पर हिंदू जागरण मंच की ओर से इस जिहादी गैंग को इतना ही कहूंगा कि सेना हमारा गौरव है, उसके सम्मान के खिलाफ सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए ऐसी देश और समाज विरोधी चीज़ें जो मनोरंजन के नाम पर परोसे जा रहे हैं, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय श्री राम। इसी तरह सबसे तेज न्यूज पाने के लिए सर्विलांस खबर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।